इतने एनकाउंटर हुए हैं, इन एनकाउंटर्स में किसी की पूरी तरह से ये पुष्टि नहीं की गई है कि ये बहुत बड़ा गुंडा था, माफिया था, बदमाश था, आतंकी था, क्या था। उसके बारे में हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं, ये हिटलर शासन चला रहे हैं, कहने के लिए योगी है, लेकिन इनका जो विचार है, जो इनका चरित्र है, वो कहीं से योगी वाला नहीं है। हम आपने सब जितने भी सनातनी हैं, हिंदू धर्म को जानने वाले हैं, सबने शुरू से आज तक यही पढ़ा होगा, ऋषि विश्वामित्र के बारे में जाना होगा कि वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन्होंने विश्व कल्याण हेतु चक्रवर्ती सम्राट पद त्याग कर, राजा का पद त्याग कर, उन्होंने दुनिया को ऊपर अच्छा उठाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने क्या बना, राजा थे, ऋषि का रूप धारण किया और राम राज स्थापना करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन हम उसके ठीक विपरीत, जो राम राज के लिए जाने जाते हैं, तथाकथित राम राज के लिए जाना जाता है उनको, लेकिन मेरे हिसाब से, आप लोगों की समझ से, सबकी समझ से, राम राज ये नहीं परिभाषा है। राम राज की पराकाष्ठा बहुत उच्च होती है, है? लेकिन इनके लिए कोई राम राज नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक संत महात्मा का वेश धारण करके ये राज सत्ता में लिप्त हो गए, यही राम राज है। विश्वामित्र चक्रवर्ती सम्राट होके उन्होंने छोड़ दिया राजपाट, और ये साहब सत्ता का भोग करने के लिए इन्होंने अपना योगित्व तो हटा दिया। इन्होंने अपने योगी होने की कोई परिभाषा को ही नहीं प्रदर्शित किया। तो ये सारे हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर ये कर क्या सकते हैं समाज में, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, गरीब के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूर के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब हम सब जानते हैं। रही बात, अभी फिलहाल में ही हम सबको पता है उत्तर प्रदेश में झांसी कांड हुआ, उस बेचारे एक नवयुवक को जिसके अभी मात्र 3 महीने हुए थे विवाह के, वो पत्नी उसकी विवाह विधवा हो जाती है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, कोई मतलब नहीं है। सरकार में रामराज चल रहा है, हमारे हिंदू के नेता सर्वश्रेष्ठ माने गए थे तिवारी जी, उनकी भी हत्या घर में घुसके हो जाती, उनके ऑफिस में हो जाती है, इनको कोई मतलब नहीं है क्योंकि रामराज चल रहा है। लेकिन रामराज की एक कम से कम एक परिभाषा तो ये प्रदर्शित कर देते, एक भी परिभाषा पे खड़े नहीं उतरे, एक भी चौपाई पे खड़े नहीं उतरे। रामराज की परिभाषा होता है सब नर करें परस्पर प्रीति और चलें सुधर्म नित सुध नीति। सब नर करें, हर एक इंसान में इंसान से भाईचारा हो, प्रीत से चल रहे हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना हो। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी बदले की भावनाएं चल रही है, किसी को यही नहीं समझा जा रहा, बस ये देखा जा रहा है ये उस जाति का है, ये मुस्लिम है, ये फलाना है, इस तरह की आज के टाइम पे इन्होंने रवैया चल रहा है। लेकिन ना तो विकास के मुद्दों पे बात हो रही है, ना तो रोजगार के मुद्दों पे बात हो रही है, ना तो लोगों के आगे भविष्य में क्या उत्थान होगा, क्या होगा, कुछ नहीं है। केवल इनको पूरे भारत में अपनी सत्ता के जकड़ के रखने का इनका प्रयास है। अभी हम लोग पिछले कुछ दिनों से देखते चले आ रहे थे, इनका एक नारा था, इनका एक नारा हुआ करता था कि कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन आपने अब गौर किया होगा, ये दो राज्यों के चुनाव में मैंने कांग्रेस मुक्त भारत नहीं सुना, इनके मुख से केवल बड़े बड़े नेताओं के केवल विपक्ष सुना, विपक्ष मुक्त भारत। विपक्ष मुक्त भारत का मतलब समझ रहे होंगे आप, विपक्ष मुक्त भारत का मतलब यह हुआ कांग्रेस को मैंने डाउन कर लिया, क्योंकि कांग्रेस मजबूत विपक्ष था, आवाज उठाता गरीब की, मजदूर की, किसान की। विपक्ष होना बहुत जरूरी होता है, लोकतंत्र की परिभाषा अगर सही से है, बिना विपक्ष के लोकतंत्र ही नहीं है। तो इन्होंने पहले कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस को बिल्कुल धराशायी कर दिया, अब इनके मुद्दे आ गए, अब इन्होंने नारा दिया विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए। कहने का तात्पर्य
कोई आवाज, कोई दबा कुचला, कोई बेचारा गरीब मजदूर, कोई अगर परेशान है तो उसकी आवाज ना उठाने वाला बचे। अब आप बताइए कि अगर हम सब की कोई एक आवाज उठाने वाला नहीं होगा तो क्या हम सब चल सकते हैं? ये लोकतंत्र है, हम स्वतंत्र समझेंगे आपको? हम सब वोट देते हैं, चुनाव होता है, अच्छे हो जाते हैं चुनाव के टाइम पे आपके पास में, सब नतमस्तक होते हैं। चुनाव के बाद आप कोई भी चले जाएं, जो आज बहुत बड़ी सत्ता में बहुत बड़ी पार्टी लेके बैठे हुए हैं, आप किसी की बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए? मुझे नहीं लगता किसी की बात सुनी जाएगी। और सबसे इनका मेन मूल मंत्र यही है, इन्होंने सोच लिया है कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाए। कहने का मतलब गरीब की कोई सुनने वाला ना बचे, ना तो नौकरियों पे कोई विकास, ना तो रोजगार। बैंक लूट लिए गए, बैंकों से चले गए। चुनाव के पहले, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था अभी मई में, उसके पहले अप्रैल में आप सबने सुना होगा कि विजय माल्या आ गया, प्रत्यर्पण कर दिया, फला डेट को आ रहा है, चुनाव खत्म, विजय माल्या जी चले गए। कोई इस मुद्दे में मिला? आपने सुने होंगे पिछले लोकसभा चुनाव में जो गांव गोद लिए गए थे, विकास की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप सबके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ये सारी बातें होनी चाहिए। गोद गांव लिए हुए अभी चले हैं, 6 साल शुरू होने वाले, 6 लग गए, कोई बच्चा घुटनों पे भी चला या चल गया। 6 साल में विकास लिए हुए, जो विकास पे चलने वाले गाँव थे वो गोद में बैठे हैं कि चल पड़े? कोई नहीं, कोई बात नहीं। 15 लाख आने थे किसी बात पे हुई इन चुनाव में, कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरियों का, रोजगार का काम था, कोई हुआ? कोई नहीं हुआ। तो आप सब साथियों से मेरा निवेदन है, समाजवादियों से निवेदन है, आए हुए सभी लोगों से निवेदन है कि हम सबको आवाज बनना पड़ेगा। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोगों की आवाज ऐसे ही दबाई जाएगी। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे और सबसे मेरा यही अनुरोध है कि हम सबको एकजुट होकर आवाज को बुलंद करना है। और हम सबको ये सोचना है कि विपक्ष मुक्त भारत नहीं होने देंगे, हम एक मजबूत विपक्ष बनाने के लिए तैयार रहेंगे। राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं, कम से कम स्वराष्ट्र समझिए। राष्ट्रवाद है क्या? इसका मतलब ही नहीं है। छद्म राष्ट्रवाद की एक तो इन लोगों ने अपनी बात कर दी, छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। राष्ट्रवाद होना चाहिए, राष्ट्रवाद के भी मुद्दे होते हैं। तो हम सभी समाजवादी साथियों से यही अपील करूंगा कि हम सब खड़े होके मजबूत होंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, आपसे जो भी आगे थोड़े बहुत चल रहे हैं उनका साथ देंगे, हमारे साथ चलेंगे, हम अपने बड़े नेताओं के साथ आपको लेके चलेंगे और एक मजबूत विपक्ष बनाएंगे। चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, हमें ये नहीं है कि हमें उनका ही मजबूत विपक्ष चाहिए, हमें खुद से अपना एक मजबूत विपक्ष चाहिए और सत्ता में हम समाजवादियों की सरकार हो, यही हम सब लोगों से अपील करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।